स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां दिल्ली से मिनी बस बुक कराकर नेपाली नागरिक बहराइच होते हुए नेपाल जा रहे थे। शनिवार को सुबह बहराइच लखनऊ हाईवे पर शहर के प्रवेश द्वार मरी माता के पास टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 नेपालियों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी लोगों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली नागरिक दिल्ली और हरियाणा में रहकर जीविकोपार्जन कर रहे थे। शुक्रवार को सभी लोग एक मिनी बस बुक कराकर स्वदेश नेपाल जाने को निकले थे। शनिवार सुबह लखनऊ बहराइच हाईवे पर मरी माता मंदिर के निकट तेज रफ्तार टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया है, जहाँ पर 2 की हालत गंभीर बनी हुई है।